गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो बेसिकली पहला गाना शूटिंग तो हो चुका है, ये सेकंड गाने का शूटिंग के लिए तैयारी है। ये वेशभूषा आप देख रहे हैं, और इस वक्त हम लोग उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में हैं। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में एक सुनावड़ा करके एक जगह है, जो कोरापुट से आई थिंक 1 घंटे का 45 मिनट का रास्ता है। अगर ज़िंदगी में मौका मिले तो ज़रूर इस जगह को आना, 3-4 दिन टाइम निकाल के आना, घूमना। ये जगह बहुत ही सुंदर और प्यारा जगह है, और हम लोग एक रिजॉर्ट में हैं। दिखा दीजिए भाई, है ना, बहुत ही सुंदर जगह है। और समीर भाई आइए आइए, भाई साहब हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो कि मैं बहुत तत्पर हूँ सर ये गाने को आगे बढ़ाने के लिए। शूटिंग के लिए हम सब तैयार हो चुके हैं, बाकी ऊपर का जो देख रहे हैं ये हम डिसाइड करेंगे कि बंडाना पहनना है कि नहीं पहनना है। लेकिन ज़रूर आप लोग यहाँ पे आना, इस जगह का आनंद लेते हुए जाना, घर पे रिलैक्स एकदम हो जाओगे। और तब तक हम सफ़र करेंगे, यहाँ पे लोकेशन नहीं है, लोकेशन कहीं और है, हम लोग तैयार हैं। उधर कुछ शॉट्स हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, ऑल्सो डांसर हरिहर दास, हमारे जो आर्टिस्ट हैं हरिहर दास जी, उनका एक शॉट बाकी था तो वहाँ पर चल रहा है, उनके बाद मेरी बारी। लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा, अभी तक के लिए यहीं पे रख दो भाई। सो गाइस, मैं अभी पहुंच चुका हूं शूटिंग सेट पे। सेट मतलब कुछ नहीं, ये वादियाँ हैं और झरना है, पहाड़ी है, बिकॉज ये ट्रैवल सॉन्ग है। जब भी आएगा आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने प्यारे प्यारे मासूम बच्चे वहाँ पे उनका ठेला लगाए हुए हैं। मूली ले लो, धनिया पत्ता ले लो, अदरक ले लो, सब 10 रुपया। यहाँ पे बहुत ही चीप रेट में मिलता है ये सब कुछ, और बहुत ही शांति और बहुत ही सुकून मिल लग रहा है। और ये नज़ारा देखिए, यहाँ पे झरना है, ये जो पानी देख रहे हैं रोड पे, ये झरना का पानी है जो कि आ रहा है, और झरना वहाँ से स्टार्ट होता है। काफ़ी ब्यूटीफुल, कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो ज़रूर आना यहाँ पे। तो हम लोग अभी चल रहे हैं शूटिंग के लिए। चलो यार, बच्चे लोगों को थोड़ा पूछताछ कर लेते हैं कितना प्राइसेस है। टाटा कर दो वो मोबाइल को। हम अभी शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, बाकी का जो वीडियो मैं आपको बाद में बताता हूँ। एक शॉट के लिए बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चे लोग मान नहीं रहा है, नहीं मान रहे बच्चे लोग अपने दुनिया में व्यस्त हैं, बिजी हैं। कितना सुंदर और कितना मासूम है ये लोग यहाँ पे ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ वहाँ से, ये खेती है, वहाँ से तोड़ के लाते हैं और यहाँ पे बेचते हैं। वाह, ये ब्यूटीफुल नज़ारा, ये झरना का पानी है, यहाँ से बहते हुए जा रहा है, खेती बाड़ी में काम आ रहा है। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। फुटेज आया है बहुत अच्छा है, दिन भर बीत गया है, अभी ये शाम का टाइम है, करीबन 4:30-5 बजने वाला है। और ये हमारा फाइनल देवमाली है। देवमाली बहुत ही फेमस जगह है, बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट प्लेस। बहुत ही क्या है भाई, आई स्पीक ऑफ उड़ीसा। ओके भाई, भाई साहब को मिला देता हूँ। ये विजय भाई हैं, हमारा प्रोडक्शन मैनेजर, इनके वजह से आज हम लोग ये जगह पे आ पाए और देख पाए, शूटिंग अच्छे से कर पाए। भाई फाइनल कुछ फुटेज बाकी है जो कि शूट होने वाला है, और आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ। ज़िंदगी में कभी भी फुर्सत से टाइम लेकर ज़रूर आना यहाँ पे घूमने के लिए, और 2-4 दिन आराम से रिलैक्सेशन करना, माइंड पूरा पीसफुल हो जाएगा, शांति से आप जाना, फिर आप अपना काम काज करते रहना, ज़रूर आना। जगह का नाम है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में देवमाली, है ना। तो मैं आपको पूरा
कुछ फैंस लोग आए हैं भाई लोग, ये देख लीजिए ये प्यारा नज़ारा। काफ़ी फॉग है यहाँ पे, पता नहीं चल रहा है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, बहुत 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 बड़ा। तो आपको मैं दिखाता हूँ ऐसा जी, कितना 3772 फीट ऊंचाई, पहाड़ी सी लेवल। यहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर सर फोटो खिंचवा रहे हैं। You're also there. आप देख लीजिए सुंदर नजारा। So, now going for the shoot because सूरज भगवान अगर चले गए तो लाइटिंग का पूरा खड़ा हो जाएगा। वीडियो बहुत अच्छी तरह से बन रहा है, शुरू चाहिए। We need your support, blessings, love you all. तब तक अपना ख्याल रखना। बहुत ज़्यादा है, आप लेह लद्दाख भी पहुँच जाओगे भाई, कसम से भाई साहब। आप आइए कभी फैमिली के साथ आइए, बहुत अच्छा लगेगा, नज़ारा एकदम फंटास्टिक है। और बस यही दिल की बातें आप लोगों से शेयर कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, या तो कुछ कवर वर्जन रिक्रिएशन सॉन्ग। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहें, खुश रहें, परिवार के साथ न्यू ईयर मनाएं। तब तक आप लोग सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। क्रिसमस तो चला गया, मेरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू, मेरे इंस्टा फैमिली और यूट्यूब, मेरे जो फैमिली हैं, मेरा फेसबुक पेज फैमिली है, तो उन लोगों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा धन्यवाद इतना सारा सपोर्ट और प्यार करने के लिए। तब तक शबा खैर, खुश रहिए, आबाद रहिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए और मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। और मैं कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा गाना आप लोगों के सामने लाने के लिए। और तब तक जय हिंद।